session on matrices is the most important session. Let's see a couple of identities related to matrices. Identities मतलब देखो generally क्या होता है? What is a plus b whole square? तो बोला यार ये सर बच्चों वाली चीज ये क्या पूछ रहे हो? A square plus 2ab plus b square ऐसे होता है. But in matrices, a plus b whole square is equal to a square plus ab plus ba plus b square. So this is the identity applicable for matrices. ऐसा क्यों? Because ab is not equal to ba. ऐसा इसलिए होता है because हमने पिछले क्लास में पढ़ा था the product of two matrices is not commutative. ab is not equal to ba. है ना? तो ए बी और बी ए को अलग अलग लिखना पड़ेगा. देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ए प्लस बी बी प्लस ए या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना. सो ए इंटू ए ए स्क्वायर ए इंटू बी ए बी बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर. समझ आई बात? सो बेसिकली ये अलग अलग लिखना पड़ता है ना. तो ये आइडेंटिटी है. दूसरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जनरली क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना. यहां पे मैट्रिसेस में ये गलत, ये नहीं चलेगा. सो तुमको क्या लिखना पड़ेगा उसके बदले? ए अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी is equal to a into a is a square a into b is minus ab ye minus hai na minus b b into a is plus ba plus ab likha to galat plus ab nahi b into a is ba tum bologe ab aur ba same hai are hai lekin matrices mein nahi hota yes b into b is minus b square yes तो ये मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल होगा. ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर करेक्ट. एंड नाउ टुडे सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अभी तक जो दो सेशंस हुए हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट. फाइन, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे ऐसा समझो. और ठीक है, सी एक्सरसाइज, इनफैक्ट पूरा सी एक्सरसाइज. चलो लेट्स बिगिन. If A is equal to this, B is equal to this, कुछ दे रखा है. A matrix है, B matrix है, C matrix है. Find A into B plus C, AB plus AC and draw a conclusion. A into B plus C. ठीक है, तो A लिख देता हूं 2, 3, 4, 5 है ना. Into B plus C, डायरेक्ट लिखते हैं B plus C. 4 plus 6, 10 1 plus 7, 8 तो यहां 10, 8 -1 plus 3, 2, 2 plus 1, 3 अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे है ना. फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम 2 10s are 20 प्लस 3 2s are 6 फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम 2 8s are 16 3 3s are 9 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 10s are 40 5 2s are 10 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 32 प्लस 15 करेक्ट. सो ये आएगा 26 25 50 एंड 32 प्लस 15 इज 47. नाउ बोल रहे फाइंड आउट ए बी प्लस ए सी. ए बी प्लस ए सी तो पहले ए इंटू बी 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1, -1, 2 प्लस ए इंटू सी 2, 3, 4, 5 एंड सी इज 6, 7, 3, 1 यस. तो देखो ये क्या होगा फिर, अभी डायरेक्ट लिखेंगे और भी थोड़ा. 4 2s are 8 प्लस -3 सो 5 2 1s are 2 प्लस 6 इज 8 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ये वाला, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम ये, डायरेक्ट ऐड भी कर दिया मैंने उसको. 4 4s are 16 -5 11 4 1s are 4 plus 10 14
प्लस, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 6 12 प्लस 3 3 9 21, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 7 14 प्लस 3 17, है ना, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 6 24 प्लस 15 इज 39 एंड 4 7 28 प्लस 5 इज 33, करेक्ट, ऐड करो दोनों को, सो दिस इज 26, 17 प्लस 8 इज 25, ये आएगा 50 एंड 14 प्लस 33 47, देखो ये दोनों इक्वल है, बाकी नहीं, दैट मींस a into b plus c is equal to a into b plus a into c, so basically this is called as distributive law, मतलब याद नहीं रखना है इसको, multiplication of matrices is distributive, a into b plus c इसको distribute कर दो, a into b plus a into c, सी ए नहीं लिखना है यहाँ पे, ए इंटू सी ही लिखना पड़ेगा, ए एंड सी, गेटिंग इट, सो दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 16. स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ए बी सी आई ऑल आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2, ए बी सी और आई चार मैट्रिसेस है, सारे 2x2 ऑर्डर वाले, ठीक है, सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे काम में आएगी, A into B is equal to B into A, बहुत बड़ा फॉल्स, ये ट्रू हो सकता है बच्चों, लेकिन ट्रू और फॉल्स में क्या, अगर ट्रू होना चाहिए तो हमेशा ट्रू होना चाहिए, कोई कोई वैल्यूज के लिए AB is equal to BA आ सकता है ना, लेकिन सबके लिए नहीं आएगा, तो ट्रू फॉल्स में क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी वो होती है जो हर चीज में एप्लीकेबल हो, हर चीज में ट्रू हो, सो दिस इज फॉल्स, अब देखो A B C और यहां भी A B C, देखो यहां लिख रहा हूं A into B into C, इसका मतलब क्या है, पहले B और C को मल्टीप्लाई करो, फिर A को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और दूसरा देखो क्या लिखा है, A B और फिर C लिखो, मतलब पहले A और B को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर C के साथ मल्टीप्लाई करो, ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, देखो यार आई हैव नॉट चेंज द ऑर्डर, ए बी सी और इधर भी ए बी सी ही है, तो ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, तुम पहले किसी को भी मल्टीप्लाई करो, पहले बी सी को कर दो या ए बी को करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम ऑर्डर चेंज कर देते हो, है ना, ए सी बी कर दिया इधर तो गया गलत, है ना, ये दोनों इक्वल है तो ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, इसके में किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, बीसी को पहले करो या एबी को पहले करो, तीनों को एक साथ तो हमको करते नहीं आता है, दो दो को ही करना पड़ेगा एट अ टाइम, सो दिस थिंग इज एब्सोल्युटली ट्रू, है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, देखो तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, हाँ कि नहीं, तो यहां इन्होंने दिया है माइनस टू ए बी, सो दिस इज फॉल्स, ये दोनों सेम नहीं है, माइनस ए बी और माइनस बी ए आर डिफरेंट, ठीक है ना, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी अभी पढ़ा हमने, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, सो दिस इज ट्रू, है ना, और ये भी फॉल्स है, ये हमने सेशन के बिगनिंग में देखा था, दिस इज फॉल्स, ये हमने पिछले सेशन में देखा, a into i is equal to i into a is equal to a, है ना, तो इस केस में a into i is equal to i into a and that is equal to a, so this is absolutely true, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सारे प्रॉपर्टीज, ये जो क्वेश्चन है ये सारे प्रॉपर्टीज को कवर करता है, ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट वंस, सो दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, ए बी सी डी कुछ मैट्रिसेस दिया है, बोल रहा है फाइंड ए बी प्लस सी माइनस थ्री डी, सो ए बी प्लस सी माइनस थ्री डी, लेट्स डू इट, 5 -4 -2 6 ए इंटू बी 3 1
प्लस सी माइनस फोर फाइव प्लस थ्री इंटू डी टू वन. सॉल्व करेंगे इसको. सी दिस इज टू बाय टू, दिस इज टू बाय वन, तो आंसर आने वाला है टू बाय वन. करेक्ट. फाइव थ्री जा फिफ्टीन माइनस फोर वन जा फोर, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम. माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स प्लस सिक्स इंटू वन इज सिक्स प्लस माइनस फोर फाइव एज इट इज प्लस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है थ्री से. थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री. करेक्ट. तो ये क्या हो गया देखो, इलेवन जीरो प्लस माइनस फोर फाइव प्लस सिक्स और इधर थ्री. सो इलेवन माइनस फोर प्लस सिक्स, ठीक है ना. तो इलेवन प्लस सिक्स सेवनटीन, माइनस फोर इज थर्टीन और ये फाइव प्लस थ्री एट. सो दिस इज योर आंसर. सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन. ओके, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. बोल रहा है फाइंड आउट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी. तो ए स्क्वायर फोर माइनस टू सिक्स माइनस थ्री इंटू, वापिस ए लिखो, फोर माइनस टू सिक्स माइनस थ्री माइनस ए की वैल्यू फोर माइनस टू सिक्स माइनस थ्री, यस, प्लस बी इंटू सी जीरो टू वन माइनस वन और सी है माइनस टू थ्री वन माइनस वन. ओके, सो करेंगे सॉल्व. डायरेक्ट लिखूंगा थोड़ा. फोर फोर जा सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व इज फोर, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम. फोर टू जर माइनस एट प्लस टू थ्री जर सिक्स, है ना. सो माइनस टू. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सिक्स फोर जर ट्वेंटी फोर माइनस एटीन इज सिक्स एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सिक्स टू जर माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री थ्री जर नाइन, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री. माइनस ये आएगा फोर माइनस टू सिक्स माइनस थ्री प्लस मल्टीप्लाइंग दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जीरो इंटू माइनस टू जीरो, टू प्लस वन टू, टू इंटू वन टू. करेक्ट. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जीरो, टू इंटू माइनस वन, ये क्या हो गया. ओके, कहाँ थे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जीरो, टू इंटू माइनस वन माइनस टू. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वन इंटू माइनस टू इज माइनस टू प्लस वन इंटू वन माइनस वन, सो माइनस थ्री एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वन थ्री जा थ्री प्लस वन फोर. प्लीज, बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है तुम लोगों ने. चार मार्क का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना, है ना, खा लो उसको पूरा. सो पॉलिनोमियल्स, फैक्टर एंड रिमाइंडर थियरम, मैट्रिसेस, लीनियर इन इक्वेशंस, ये तो ऐसे ही दिया है, मतलब कि चलो ये लो लड्डू खा लो लेके जाओ. फोर माइनस फोर प्लस टू, यस, डायरेक्ट लिखेंगे यार आंसर हम. फोर माइनस फोर जीरो प्लस टू माइनस टू, यार देखो यहाँ पे माइनस टू माइनस माइनस टू माइनस टू माइनस माइनस टू प्लस माइनस टू, ठीक है ना. तो ढंग से करो उसको, चाहो तो सारी स्टेप्स लिखो, कोई टेंशन नहीं है. इस पोजीशन पे आएगा सिक्स माइनस सिक्स माइनस थ्री और यहाँ आएगा माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री प्लस फोर. ये सम क्यों दिया है यहाँ पे, गलती करने के लिए दिया है तुमको कि ये लो यहाँ पे तुम लोग गलती करो ऐसे. तुम भी बोल दो हम लोग तो बहुत स्मार्ट है, नहीं करेंगे. माइनस टू प्लस टू कटा बचा माइनस टू, सिक्स माइनस सिक्स कटा बचा माइनस थ्री एंड इधर देखो माइनस थ्री और ये प्लस थ्री कटेगा, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बचा. सो दिस इज योर आंसर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व एग्जांपल. क्वेश्चन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, कुछ तो गिवन है, माइनस फाइव इलेवन टेन माइनस फोर. x माइनस वाई कुछ तो गिवन है, नाइन माइनस फाइव माइनस टू फोर्टीन. बोल रहे फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y.
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करोगे, है ना? यस, एड दीज टू इक्वेशंस, ये है मेरा इक्वेशन वन, ये है मेरा इक्वेशन टू, एड करो दोनों को, एड, तो y से y कट ऑफ, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 5 11 10 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 5 माइनस 2 14, ऐसे समझ में आया? यस, सो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व दिस, ये हो जाएगा 4, 11 माइनस 5 इज 6, 10 माइनस 2 इज 8, माइनस 4 प्लस 14 इज 10, फाइन। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये काइंड ऑफ हो जाएगा हाफ, 4, 6, 8, 10, विच इज नथिंग बट 2, 3, 4, 5, सबको 2 से डिवाइड किया, सबको 2 से या हाफ से मल्टीप्लाई किया बोल दो, तो x की वैल्यू मिल गई, है ना? दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू x, ठीक है? अब ये डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू डाल दो, सो दिस इज 2, 3, 4, 5 प्लस y इज इक्वल टू माइनस 5, 11, 10, माइनस 4, दिस इज my इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन 1, ये x की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, है ना? तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 5, 11, 10, माइनस 4, और ये मैट्रिक्स पूरा इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? 2, 3, 4, 5, करेक्ट? सो अल्टीमेटली y इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2 इज माइनस 7, 11 माइनस 3 इज 8, है ना? 10 माइनस 4 इज 6, माइनस 4 माइनस 5 इज माइनस 9, तो ये हो गया y का वैल्यू, क्लियर है? इजी सिंपल, एकदम सिंपल है। सो बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी वैसे ही सॉल्व किए जा सकते हैं मैट्रिसेस में। लेट्स मूव अहेड, तुम लोगों का फेवरेट टॉपिक पे क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, इवेल्युएट, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन दिया है ना? सो रो 1 इनटू कॉलम 1 क्या होगा, देखो पूरा लिखूंगा अभी मैं, 4 cos 60 इनटू 5 प्लस 2 sin 30 इनटू 6, हाँ कि नहीं? दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू 6, करेक्ट? फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, मतलब 4 cos 60 इनटू 6 प्लस 2 sin 30 इनटू 5, ओके? फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड कॉलम 1 इज sin 90 इनटू 5 प्लस 2 cos 0, 2 इनटू cos 0, यस, मल्टीप्लाइड बाय 6, फिर sin 90 इंटू 6 प्लस 2 cos 0 इंटू 5। तुम बोलोगे क्या सर मैं इसकी वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? बिल्कुल, देखो यहां पे, व्हाट इज 4 इंटू cos 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60, हाफ, sin 90, वैल्यू ऑफ sin 90 इज 1, 2 sin 30, 2 इंटू sin 30 की वैल्यू इज हाफ, एंड 2 इंटू cos 0, cos 0 इज 1, मल्टीप्लाइड बाय 5, 6, 6, 5, सिंपल, ये भी कर सकते हो, या फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू डाल दो, यस और नो? ऐसे भी करने वाले सम आएंगे कहीं ना कहीं, जहां पे सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे और ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में आंसर आएगा, इसलिए बता दिया, फाइन। अदरवाइज यहां पे तो ऐसे ही करो, पहले वैल्यूज डाल दो, है ना? इसको कट कर रहा हूं मैं, बिकॉज गाइस ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा, देख लेना आएगा टुगेदर विद मैं यहाँ, है ना? 4 ones are 4 twos are, so what are we left with? 2 1 1 2, है ना? ये 2 2 कटा, into 5 6 6 5, अब ये मल्टीप्लिकेशन तो तुम बहुत इजीली कर सकते हो, प्लीज डू दिस, यस?
तो cos 60 की वैल्यू हाफ डाल दी, sin 30 की वैल्यू हाफ डाल दी, sin 90 इज 1 एंड cos 0 इज 1, करेक्ट, और खत्म मल्टीप्लाई, कंफर्टेबल या? अगर दोनों भी मैट्रिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है तो भी ऐसे ही करना है, मतलब सी ऐसा क्वेश्चन आएगा कुछ जैसे 4 sin 30 cos 60 cos 0 sin 90, ठीक है, और दूसरे में भी आएगा tan 45 yes cos 0 cos 60 tan 30 ऐसे, तो इसको भी सेम करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व करो, चलेगा ना, सबकी वैल्यूज तुमको पता होनी चाहिए ऑफ कोर्स, यस, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज एंड देन मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा, बेसिक नंबर्स आ जाएंगे उसमें, ओके है, आगे बढ़े। अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस, इजी है, इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूं, एम इज गिवन एज दिस, फाइंड के इफ एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम प्लस के आई is equal to a null matrix where I is an identity matrix of order 2 by 2. ये जो k है, ये k की value find करने बोली है, ठीक है, solve this equation, m 4 1 minus 1 2 और 4 1 minus 1 2 minus 6 into m 4 1 minus 1 2 प्लस के इंटू आई, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2 इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 है ना, तुम बोलोगे मैंने 4 क्यों लिया, 2 बाई 2 क्यों लिया, 3 बाई 3 लेके देख लेना आगे क्या होगा, सी ये भी 2 बाई 2 है, ये भी 2 बाई 2 है, ये भी 2 बाई 2 है, ये भी 2 बाई 2 है ना, तो एड सब्ट्रैक्ट अगर कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली ये भी 2 बाई 2 चाहिए होगा, तो इसको 2 बाई 2 नल मैट्रिक्स ले लो एंड जस्ट सिंप्लीफाई दिस नाउ, है ना, मल्टीप्लाई करो इसको m into m को, m m मल्टीप्लाई दिस, रो 1 कॉलम 1, 4 4 जा 16, यस 1 माइनस 1 तो 15, 4 1s are row 1 column 2, 4 1s are 4 plus 2, 6, minus 4 minus 2, minus 6, minus 1 plus 2, plus 4, see 1 into 1 minus 1, plus 4 is 3, minus 6 into this, so ye 24, 6 minus 6, 12, plus k into I, 1 0 0 1, is equal to a null matrix, ठीक है, करो इसको सब्ट्रैक्ट, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ रहा है, ये 15 माइनस 24 इज माइनस 9, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस माइनस 6, ये देखो माइनस 6 माइनस माइनस 6 तो ये प्लस 6 हो जाएगा तो 0, एंड 3 माइनस 12 इज माइनस 9, प्लस के इंटू दिस एज इट इज, यस, अब देखो ये वाले मैट्रिक्स को यहां लेके चले जाओ तो उधर जाकर के वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो के इंटू 1001 इज इक्वल टू 0000 माइनस माइनस 9 0 0 माइनस 9, यस, के 1001 इज इक्वल टू, ये क्या होगा देखो, 0 माइनस माइनस 9 इज प्लस 9, 0 0 9, हाउ डू यू सॉल्व दिस नाउ, देखो के इंटू 1001, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अभी तक का तो ठीक भी था, यहां से ये जो मैट्रिक्स है इसमें से कैन आई टेक 9 कॉमन, तो यहां हो जाएगा 1001, यार वापस मल्टीप्लाई करके देख लो 9 से इसको, है ना, तो ये आएगा
इस यूनिट मैट्रिक्स को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर से यह आएगा. सो बेसिकली उसमें से मैंने 9 कॉमन निकाल लिया. यस और नो? और 9 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां और यहां तो 0 ही रहने वाला है. यस, अभी माइंड में, माइंड के अंदर, या चलो k into i, this is i of order 2 by 2, 9 into i, this is also i of order 2 by 2, i से i कटा, k is equal to 9. समझ में आ रहा है? तो basically solve करते जाओ और last में तुमको ये चीज करनी है सिर्फ. Yes, so once again, क्या किया देखो वहाँ पर, m into m ले लिया, this equation is given. ये इक्वेशन गिवन है, इसमें सारे वैल्यूज डाल दो, m m m डाल दिया, यहां m डाल दिया, यहां i डाल दिया, एंड कीप सॉल्विंग इट. यस, सॉल्व करो, इसको यहां लेकर के जाएंगे फिर. यस, इसको भी सॉल्व कर लो, सबट्रैक्ट कर लो दोनों को, यू गेट दिस. टेक 9 कॉमन, 1001, सो k i इज इक्वल टू 9 i, i से i कटा, k इज इक्वल टू 9. ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर सॉल्व न्यूमेरिकल से. लेट q इज इक्वल टू दिस, ओके, r इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मैट्रिक्स p इफ pq इज इक्वल टू r, p इनटू q इज इक्वल टू r, ऐसे दिया है, और p मैट्रिक्स फाइंड करना है. यहां देखो p इनटू q, q क्या है, 2 माइनस 3 5 6, हां कि नहीं, इज इक्वल टू 8, 15, 19, minus 15. Again, very, very important question, huh, by the way. ठीक है? अब P find करना है. देखो, P एक matrix है. इसका order कितना है? 2 cross 2. इसका order कितना है? 2 cross 2. तो बच्चों, P का order कितना रहना चाहिए? 2 cross 2. देखो, ये और ये match होना चाहिए. हाँ कि नहीं? और इन दोनों का जो product है, वो ये आता है. यस, प्रोडक्ट नहीं, 2 2 तो 2 बाय 2, दैट मींस p इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2, है ना. सो लेट p बी इक्वल टू a b c d, चलेगा. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. अरे किधर ऊपर चला गया, a b c d multiplied by 2 minus 3 5 6 is equal to 8 15 19 and minus 15. Okay, chalo, let's multiply the two matrices on the left hand side jo given hai. Row 1 into column 1, idhar pura likhenge, a into 2 2a, b into 5 is plus 5p. Row 1 into column 2, 2 into, a into minus 3, minus 3a, b into 6, plus 6b. Row 2 into column 1, 2 into c, 2c, plus 5d. And row 2 column 2, minus 3c, plus 6d. Is equal to 8, 15, 19, minus 15. Yes? Chalo phir. This is equal to this because dono 2 by 2 ke matrix hai aur dono equal hai. To all corresponding respective elements will be equal. So 2a plus 5b is equal to 8. And this will be equal to this. Minus 3a plus 6b is equal to 15. This is my equation number 1, equation number 2. Solve karo simultaneously isko, to a aur b ki value mil jayegi. Hai na? Chalo phir, how do you solve this? LCM. To isko multiply karenge 3 se, isko multiply karenge 2 se. To ye ho jayega 6a plus 15b is equal to 24, and second equation will become minus 6a plus 12b is equal to 30. Add karo dono ko, ye khata
27b is equal to 54, so b is equal to 2. Put this value in equation number 1. You know? So I got 2 into a plus 5 into b, 2 into a plus 5 into b is equal to 8. 2a is equal to minus 2, a is equal to minus 1. ठीक है ना, करेक्ट। तो ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, बचा सी और डी। तो सी और डी के लिए सारा प्रोसेस रिपीट। यहां देखो, दिस इज इक्वल टू दिस, यस, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 19, एंड ये वाला चीज इसको कैसे दिखा है, अंडरलाइन करते हैं, माइनस 3c प्लस 6d इज इक्वल टू माइनस 15। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना। तो ये हो जाएगा 6c प्लस 15d इज इक्वल टू 19, 3 जा, यस, और ये हो जाएगा माइनस 6c प्लस 12g इज इक्वल टू माइनस 3। इसको करेंगे ऐड, सो ऐड करने पे ये गया, बचा 27g इज इक्वल टू 57 माइनस 3, 27, सो d इज इक्वल टू 1। यस, डाल दो d की वैल्यू 1 इक्वेशन 3 में, 2c प्लस 5 इनटू 1 इज इक्वल टू क्या है, 19। यस, पुट किया इसको इक्वेशन नंबर 3 में। एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, पिछले 3 क्वेश्चन जो हमने किए वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 2c इज इक्वल टू 19 माइनस 5 14, c इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो p मैट्रिक्स निकालने बोला है उन्होंने। सो आवर मैट्रिक्स p इज इक्वल टू a b c d ऐसे लिया था। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, 2, सी इज 7, डी इज 1। सो द मैट्रिक्स पी इज ए बी सी डी, माइनस 1, 2, 7, 1। क्लियर है, यस। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 23 एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 23 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और ऊपर मैंने जो कोई बताया रहेगा ये वाला, अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला। एग्जांपल नंबर 20 इज इंपॉर्टेंट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज क्लास। नाउ द चैप्टर इज ऑल ओवर एंड पिछले 2 सेशंस के जो डाउट्स है वो मैं अभी फटाफट ले लूंगा सबके। बिफोर आई टेक द डाउट्स, योर होमवर्क इज, योर होमवर्क is to complete exercise 8C, पूरा complete करो, all the remaining questions, और जिन लोगों ने मुझे doubts भेजे हैं यहाँ तक पिछले exercise से और ये exercise से, उनके मैं doubts वाले questions भी, इस बार जो doubts भेज रहे हैं ना उनके तो मैं specially doubts वाले question check करूँगा, ठीक है ना। तो exercise 8B से 2 questions है, this is question number 8 from exercise B। ओके, और ये क्वेश्चन जिसको नहीं आ रहा है उसको तो 10 बुक्स मैथ्स की ला के मैट्रिसेस सॉल्व करना चाहिए, प्लीज डू इट, है ना, बड़ी दिक्कत होने वाली है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सो 2m इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 9 6 0 -9, और ये वाला मैट्रिक्स इधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 4 -2 3, हां कि नहीं। So 2m is equal to 9 -1 8, 6 -4 2, 0 -2 is +2, and -9 -3 is -12, और ये 2 इधर हाफ हो जाएगा, मतलब सबको इधर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 4 1 1 -6। अभी ये डाउट भेजा है यार किसी ने, है ना, आई मीन रेडिकुलस, हमने कितने सारे किए हैं, प्लीज प्रैक्टिस करो, 1000 सम्स प्रैक्टिस करो तुम लोग मैट्रिसेस के, 1000 1000, है ना, तब जाके तुमको 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, 4 मार्क्स विल बी लाइक फिक्स मिलने वाले, अभी फिक्स नहीं होने वाले,
जिन लोगों ने ये डाउट्स भेजे, क्वेश्चन 8 9, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट भेजो, बट देन द प्रॉब्लम इज यू गाइस आर नॉट ट्राइंग इट एट ऑल, दिल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, है ना। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एक्सरसाइज 8B। यस, दिल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो का मतलब क्या है कि कोशिश ही नहीं करते, क्वेश्चन देखते हो नहीं आया, या एक बार ट्राई करते हो नहीं आया, छोड़ दिया, रोने लग गए उधर ही, है ना। नहीं यार, एक दो बार तो ट्राई करो ना कि क्या गलती हुई है, देखो खुद की गलती, फाइंड आउट करो, तब पढ़ाई में अच्छे होंगे। जब तक ऐसे ही करोगे जबरदस्ती, तब तक कभी पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते। चलो आगे बढ़ते। ए इज गिवन एज दिस, फाइंड द मैट्रिक्स बी सो दैट ए प्लस बी इज अ जीरो मैट्रिक्स। अरे ए प्लस बी को जीरो होना है तो बी शुड बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, हाँ कि नहीं, तभी तो ए प्लस बी जीरो होगा, यस और नो। तो बी मैट्रिक्स विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, मतलब -1 2 3 -4। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। देखो तो अभी ए प्लस बी ये है 1 -2 -3 4 और बी इज -1 2 3 -4। ऐड करो इनको 1 -1 0, है ना, -2 + 2 0 0 0। सो बी मैट्रिक्स शुड बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, फाइन। तो एडिटिव इनवर्स है। अब देखो बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स सी सो दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अरे भाई मैट्रिक्स सी जीरो ही रहेगा ना, ए प्लस सी इज इक्वल टू ए, सॉरी ए इज इक्वल टू 1 -2 -3 4, है ना। इसमें क्या ऐड करूं मैं ऐसा कि मुझे आंसर ए ही मिलना चाहिए, ये ए है, ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर ए ही मिलना चाहिए। भाई जीरो ऐड करूंगा मैं इसमें, कुछ भी ऐड मत करो। तो मैट्रिक्स सी इज 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स। यस, इतना सिंपल है ये। फाइंड द मैट्रिक्स डी सो दैट ए प्लस डी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो भी थोड़ा ढंग का है, थोड़ा ढंग का। ए देखो 1 -2 -3 4 प्लस बी क्या है मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है क्या, है ना। अभी क्या इसको इधर लेकर के जाओ तो डी क्या हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस, ये मैट्रिक्स इधर माइनस 1 -2 -3 4, 1 -1 0 0, -2 + 2 0 -3 + 3 and 1 -4 is -3, so matrix D should be this। समझ में आया? Yes, तो matrix C is this, matrix B is this and matrix D is this। समझ के करो अभी भी, ऐसा नहीं कि हाँ सर ने बता दिया छाप लो, प्लीज डोंट डू दैट। यस, आगे बढ़ते। एक्सरसाइज 8C के कुछ सवाल, 8C के कुछ डाउट्स भेजे हैं, उसको लेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन भेजा है, 18, है ना। देखो ए इज दिस, फाइंड मैट्रिक्स बी सो दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, ए इंटू बी should be I, where I is an identity matrix of order 2 by 2, ठीक है। तो B की value find करना है हमको, yes, अभी ये आज हमने किया है solve, वैसे method से इसको solve करो, है ना। For example, देखो ये A 1 2 1 3 into B A B C D, B को A B C D ले लो और ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो सॉल्व करेंगे, 1 into A is A प्लस 2 into C is C 2C, 1 into B is B प्लस 2 into D is 2D, 1 into A is A प्लस 3C एंड 1 into B is B plus 3D इज इक्वल टू 1 0 0 1, हाँ कि नहीं। सो अब दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगे, वो बना करके इसको सॉल्व करो प्लीज, यस और नो, करेक्ट।
अच्छा मेरी ये गलती हो गई यहाँ पे, ये मैंने गलत लिख दिया ना, जल्दी जल्दी में, वन इंटू ए ए प्लस, टू इंटू सी टू सी, वन इंटू बी बी, नहीं सही तो लिखा था, एक सेकेंड ना, वन इंटू बी टू इंटू डी टू डी, वन इंटू ए ए प्लस थ्री इंटू सी थ्री सी, वन इंटू बी प्लस थ्री डी, सही था सही, सॉरी आई थॉट मैंने कुछ तो गलत किया। ये करो, इन दोनों का ए और सी का एक इक्वेशन बनेगा, इन दोनों का बी और डी का बनेगा, सॉल्व इट, यस, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर डी, तो ए बी सी डी का वैल्यू मिल जाएगा उससे, क्वेश्चन नंबर 18, फाइन। क्वेश्चन नंबर 14, 15 भी डाउट भेजा है ना, आई मीन रेडिकुलस, जिसने ये भेजा है ना वो तो मतलब आई डोंट नो कहां से कौन सी दुनिया का प्राणी है, m into n नहीं निकालता है तुमको, 1 4, चलो हो सकता है भाई कि पीछे आंसर चेक किया मैच नहीं हुआ है ना, तो अरे कुछ एरर हुआ रहेगा यार, फिर से सॉल्व कर लो, है ना, एटलीस्ट इतना करो यार, तब तक पढ़ाई में तुम कभी आई डोंट नो, चलो 4 4 16, 0 into this 0, 4 0 0 and again 0 into 4 is 0, correct, 1 4 4 और ये -4 तो 0, रो 2 into कॉलम 1, 4 1 4 -4 and रो 2 into कॉलम 2, 1 into 0, 4 4 16, तो ये हो गया mn, फिर बोला m plus 2n, यार m plus 2 into n, तो m कितना है 4 0 1 4, yes, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 8 0 -2 8, मिहिर गायकवाड़ प्लीज पढ़ाई करो, बहुत सारी पढ़ाई करो, है ना, कुछ नहीं होना है उसके बिना, 8 प्लस 4 12, 0 1 -2 is -1, 4 प्लस 8 12, फाइन, खत्म, कुछ नहीं है उसमें। अभी यहाँ a माइनस बी इंटू सी निकालना है यार, ठीक है, तो a माइनस बी, a माइनस बी 0 2 -2 3 -1 4 -3 3, ये है a माइनस बी, तो पहले इसको सॉल्व करो क्योंकि ये ब्रैकेट दे रखा है, तो फर्स्ट सॉल्व दैट, तो a माइनस बी कितना होगा, 0 -1 is -1, 2 -4 is -2, -2 -3, मतलब -2 + 3 is 1 एंड -2 -3, सॉरी 3 - 3 0। मीर गायकवाड़ और पार्थ वर्मा दोनों दोस्त लोग, और दोनों ने सेम क्वेश्चंस डाउट भेजे हैं, मस्त दोनों कॉपी कर रहे होंगे, है ना, एक दूसरे का, और एकदम हद घटिया लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, प्लीज खुद से करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। a माइनस बी हो गया, अब इसको c से मल्टीप्लाई कर लो, यस 3 4 4 -1 इज इक्वल टू, प्लीज मल्टीप्लाई दिस यार, प्लीज मल्टीप्लाई दिस, यस, और दो तीन क्वेश्चंस हैं। मीर यार एक और बात बता यार मुझे, एग्जाम में 25 मार्क्स तुक्के मार के कैसे आ सकता है यार 30 में से किसी को, हाँ इतने तुक्के तो मेरे कभी नहीं लगे, काश लग जाते कोई एग्जाम में तो शायद बात ही क्या होती। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, और दो तीन लोगों ने भेजा है, वही गिने चुने दो तीन लोग जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सिंगल मैट्रिक्स एक्सप्रेस एज ए सिंगल मैट्रिक्स, अरे मल्टीप्लाई करो यार सिर्फ, 3 - 5 0, 2 6 - 8, 4 - 1, है ना, ये क्या होगा, ये है 3/2 मैट्रिक्स, ये है 2/1 मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, ये 2 ये 2, ठीक है, रो 1 इंटू कॉलम 1 क्या आएगा, 3 4 12, प्लस 2 - -1 is -2, -5 × 4, रो 2 इंटू कॉलम 1, तो रो 2 में लिखूंगा मैं, -20 - 6, 6 1 = 6, रो 3 इंटू कॉलम 1, तो रो 3 में लिखूंगा, 0 × 4 0, -8 × -1 is +8, हो गया ना, फिर ये 10, ये -26, ये 8, खत्म,
सिंगल मैट्रिक्स तो हो गया ना ये, सिंगल मैट्रिक्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना है उसको, दो मैट्रिक्स दे रखे है उसको सिंगल बनाना है, ये दे भी रखा है इधर मल्टीप्लीकेशन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए एंड बी आर गिवन, सॉरी दिस मैट्रिसेस आर गिवन, फाइंड ए एंड बी, अगेन यार मल्टीप्लाई करना है सिर्फ और इक्वल से उसको इक्वेट करो, इक्वल मैट्रिसेस, सी दिस इज 2x3, दिस मैट्रिक्स इज 2 rows 3 columns, ये दिस इज 3 rows 1 column, तो ये 3 3, तो आंसर आया 2x1, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 0 2 -3 5 6 इंटू a5 -3 इज 10b, ठीक है, मल्टीप्लाई दिस, row 1 into column 1, यस 4a's are 4a + 0 into 5 0 + 2 into -3 is -6, ठीक है, row 2 into column 1, तो मैं row 2 में लिखूंगा उसको, -3 into a is -3a, ठीक है, 5 into 5 is 25, 6 into 3 is -18 is equal to 10b, चलेगा, ये ऊपर वाला देखो क्या है, 4a - 6 और नीचे आया -3a - 7, यस इज इक्वल टू 10b, हो गया यार, क्या बचा, इक्वेट करो दोनों को, इसको इससे इक्वेट करेंगे, 4a - 6 is equal to 10, 4a is equal to 16, a is equal to 4, और इसको इससे इक्वेट करेंगे, -3a - 7 is equal to b, -3 into 4 - 7 is equal to b, है ना, ये हो गया -12 - 7, कितना होगा ये -19, तो b की वैल्यू आ गई, यस खत्म, और सेम टू सेम ये क्वेश्चन है फिर अभी 13th question, सो मल्टीप्लाई करो एंड चेक, फाइन, तो चलो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन दो मैट्रिसेस को, ठीक है, 4 into 2 8 + 1st row into 1st column, है ना, 4 2s are 8 + 5a - 2, 1st row into 1st column किया, 1st row into 2nd column, 4 into b 4b + 25 - 2 4s are 8, row 2 into column 1, 3 2s are 6 + 0 + 1, and row 2 into column 2, 3b + 0 + 4 is equal to -4 1c - 8, सॉल्व करो इसको, 8 - 2 is 6 + 5a, यहां 7 आ गया, ये है 4b + 17, है ना, और 3b + 4 is equal to -4 1c - 8, इक्वेट करो प्लीज, c तो आ गया 7 के बराबर, इसको इससे इक्वेट करोगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, इसको इससे इक्वेट करोगे तो b का मिलेगा, या इसको इससे करो b का, दोनों का सेम मिलेगा वैल्यू, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13, एंड आई हैव रिजॉल्वड ऑल द डाउट्स जो बच्चों को थे, थोड़ा फास्ट किया क्योंकि है ही बहुत सिंपल, कोई टफ होता डिफिकल्ट होता तो आराम आराम से बता दो, प्लीज कंप्लीट एक्सरसाइज 8c, एंड आई बिलीव, आई होप इट इज द हैप्पी एंडिंग ऑफ मैट्रिसेस, यस, ये क्या हो गया, प्लीज पढ़ते रहो, है ना, वी माइट स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टुमारो ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट, स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, या सी यू गाइस, टेक केयर, बाय।